बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चलाए अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 13,000 करोड़ का गौठान घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, साथ ही इन पैसों का बंदरपाट भी किया गया। वहीं गौठानों की व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर कई सवाली निशान खड़े किए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध करेगी और इस योजना की पोल सबके सामने खोलेगी। जनता पार्टी के पोल खुल अभियान से गौठानों के सारे पोल खुल करके सामने आ गए हैं। हमने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से यहां पर करोड़ों रुपया बहाया है वह पैसा व्यर्थ चला गया, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, ये अब स्पष्ट हो गया है। हम जब गौठानों में जा रहे हैं तो वहां पर ना तो गाय दिखाई पड़ रही है हमको, ना वहां पर कोई चारा दिख रहा है और ना कोई ऐसा चिन्ह दिख रहा है जिससे यह पता चल सके कि इन गौठानों में कोई 300-400 गायों को रखने की व्यवस्था है। व्यवस्था के नाम पर वहां कुछ नहीं है, कुछ छोटे मोटे कंटेनर जरूर बना दिए गए हैं जिसमें ये ड्रामा करते हैं केंचुआ खाद बनाने का।